ट्रंप्स के बीच इस जंग के दरमियान जेलेंस्की के तख्तापलट की जानकारी आ रही है। विक्टर को राष्ट्रपति बनाने की तरफ जानकारियां मिल रही हैं। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पुतिन के करीबी हैं, विक्टर यानी रूस की विचारधारा जो है उस पर एक तरह से अब कह रहे हैं कि यूक्रेन आने वाले दिनों में आगे चलता हुआ नजर आएगा। वहीं विक्टर को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी है और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट हाल फिलहाल के दिनों में यही आकलन कर रहे थे। तख्ता पलट यूक्रेन में बड़ी एक कोशिश है रूस की और उसी की तरफ बढ़ता हुआ रूस नजर आ रहा है। जानकारी मिल रही है इस वक्त सबसे बड़ी जेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी हो रही है और विक्टर को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी है। विक्टर पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं यूक्रेन के और जानकारी मिल रही है कि वो यूक्रेन के वो राष्ट्रपति रहे हैं जिसकी विचारधारा काफी कुछ पुतिन से मिलती जुलती है, यानी पुतिन के काफी करीबी वो रहे हैं। और ऐसे में पुतिन हमेशा से यही चाहते रहे हैं कि जेलेंस्की की जगह ऐसा कोई नेता यूक्रेन की कमान संभाले जो उनकी विचारधारा से ओतप्रोत हो, या यूं कहें कि जैसा रूस चाहता है उसके तहत ही आगे बढ़े। और ऐसे में विक्टर ही वो शख्स हो सकते हैं जो राष्ट्रपति के तौर पर आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। तो तख्ता पलट की तैयारी जेलेंस्की की तरफ से, ये जानकारी बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है उसमें रूस की कोशिश ही यही थी कि किसी तरह से यहां पर तख्ता पलट हो। और आपको याद होगा शुरू में भी यह खबर आई थी कि किस तरह से सेना को सत्ता कमांड ले लेनी चाहिए थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं, संदीप। बोल संदीप, तख्ता पलट आखिरकार अपने कामयाब हो रहा है मंसूबों में रूस? देखिए पुतिन तो यही चाहते थे और इसी वजह से जो है इस तरीके का इन्वेजन किया गया, क्योंकि जो मौजूदा जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो सीधे तौर पर यूरोप की तरफ जो है वो ज्यादा उनका झुकाव था और पुतिन चाहते थे कि वहां पे यूक्रेन में जो भी सत्ता संभाले वो उनका पपेट हो, यानी कि उनके कहने पे जो है वो सारी चीजें करे। इससे पहले जो इससे पहले अगर हम लोग बात करें यानुकोविच जो है वो राष्ट्रपति थे लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर वहां पे नहीं थे और इसी वजह और उनको जो है पुतिन का जो है सपोर्ट था, रशिया का सपोर्ट था, लेकिन वो उनको जो है राष्ट्रपति पद से जाना पड़ा और वो ईस्ट यूक्रेन में जाके छिप गए थे। और अब खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति पुतिन जो है यानुकोविच को दोबारा से बहाल करना चाहते हैं राष्ट्रपति के तौर पर। और अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर ये साफ है कि पुतिन जिस गेम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये खबरें तब आ रही है जब दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है और इस बीच रूसी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के क्षेत्र की निगरानी करते हुए भी तस्वीर आ रही है। लेकिन उससे पहले ये जो अभी की बड़ी खबर है उसको एक बार फिर से आपको बता दें, दरअसल पुतिन के करीबी विक्टर को यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। जानकारी ये बहुत बड़ी मिल रही है कि यूक्रेन में तख्ता पलट यानी सत्ता परिवर्तन, जिस बात की मंशा पाले हुए रूस लगातार अपनी सेना को ओपन कमांड दिए हुआ था, आखिरकार वो कदम बढ़ता हुआ उस ओर नजर आ रहा है।